गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर स्मृति अग्रवाल स्वागत करती हूँ आपका स्मृति से स्वास्थ्य चैनल में। आज की डेट में हम सभी अपना वेट मेंटेन करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वेट बढ़ने से हमारी पर्सनालिटी तो ख़राब दिखती ही है, साथ में हमें बहुत से हेल्थ इशूज आ जाते हैं। हर एक मौसम में एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है जिसके द्वारा, जिसको फॉलो करके हम अपना वेट लॉस कर सकते हैं। उसी प्रकार समर यानी गर्मियों में हमें किन किन चीज़ों का विशेष ध्यान देना चाहिए, इस टॉपिक पर आज मैं डिस्कस करूँगी। गर्मी एक ऐसा मौसम है जो आपको वेट लॉस करने में आपकी बहुत हेल्प करता है। गर्मियों में आप चाहें तो आसानी से अपने वेट को लॉस कर सकते हैं। इसके कई फायदे हैं, जैसे गर्मियों के मौसम में ऑटोमेटिकली हमारा खान पान सुधरता है। कैसे? कि गर्मियों में हमें तला भुना या फिर हैवी खाने का मन नहीं करता और हमें हल्का खाने की इच्छा होती है। फ्रूट्स में वाटरमेलन, खीरा, ककड़ी, ये सब ज़्यादा खाने का मन करता है, क्योंकि हमारा बॉडी डिहाइड्रेट होता है और हमें एहसास होता है कि हमारा मुंह सूख रहा है। ऐसी चीज़ें इस समय हमें फ़ायदेमंद होती है हमारे वेट लॉस के लिए। साथ में हमारा वाटर इंटेक बढ़ जाता है, हम जितना चाहें वाटर पानी पीना चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेमन वाटर वगैरह यूज़ करना चाहते हैं, जो कि हमें हमारे वेट लॉस में हेल्प करता है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं ऐसी क्या चीज़ें हैं जो गर्मियों में हमें हमारा वेट लॉस करने में हेल्प करती हैं। सबसे पहले वाटर इंटेक। मैंने अपने पहले भी एक वीडियो में बताया है कि कैसे वाटर हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, साथ में मैंने गर्म पानी का यूज़ भी बताया है। गर्मियों में ऐसा होता है कि हम गर्म पानी तो नहीं पी सकते, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं कि दिन में दो टाइम डिसाइड कर लें कि हमको आधा आधा ग्लास गर्म पानी पीना है, बाकी टाइम आप ठंडा पानी ना पिए, नॉर्मल वाटर इनटेक करें, तो जो कि आपको नुकसान नहीं करेगा, साथ में आपका वेट लॉस करेगा। गर्मी में एक और फ़ायदा होता है कि हम जितना चाहें वाटर इनटेक कर सकते हैं, और वाटर इनटेक करने की ज़रूरत ज़्यादा गर्मियों में इसलिए होती है क्योंकि हमारा बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाता है, और बॉडी जब डिहाइड्रेटेड हो जाता है तो हमें सूखापन महसूस होता है, गला सूखने जैसा लगता है, इसलिए हम ज़्यादा पानी पीते हैं। तो ये अभी आपके वेट लॉस में आपकी हेल्प करता है। और इसके लिए एक और चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, जब भी आप खाना खाने बैठें या जब भी आपको भूख लगे, पहले आप पानी पी लीजिए। पानी पीने से ऑलरेडी आपका पेट भरा हुआ लगेगा, और उसके बाद अगर फिर कंटिन्यूसली भूख लगती है तो आप कुछ खाएं। जब इस कंडीशन में आपको क्या होगा कि कुछ न्यूट्रिशन खाने की इच्छा होगी, और अगर खाली पेट में आप कुछ खाने बैठ जाते हैं तो आप एक्स्ट्रा खा लेते हैं। नट्स अच्छी मात्रा में यूज़ करना चाहिए। मैंने हाल ही में अभी वीडियो बनाया था कि जितने भी नट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो हम उसके बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारे वेट लॉस में भी हमारी हेल्प करते हैं, क्योंकि हमें पूरी तरह से फैट लेना बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे इससे मसल्स लॉस होते हैं। हमें फैट लॉस करना है, ना कि मसल्स, है ना। तो ये ड्राई फ्रूट हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। कुछ मात्रा में 10 से 15 मतलब जो मूंगफली के दाने हैं वह भी आपकी हेल्प करते हैं। काजू, बादाम, इसको मैंने डिटेल में बताया है, इसे भी आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक लेके देख सकते हैं। मौसम में हमें सलाद अच्छी मात्रा में खाना चाहिए। खाने से पहले सलाद खाना चाहिए। सलाद में हम खीरा, ककड़ी बहुत अच्छी मात्रा में, बहुत अच्छी क्वालिटी का गर्मी में मिलता है। साथ में हम टमाटर, ओनियन, प्याज भी यूज़ कर सकते हैं, ये तो ओवरऑल ऑल सीजन्स में मिलते हैं। तो इन सब चीज़ों से हमारा वेट लॉस तो होता ही है, और साथ में जो इसमें वाटर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है तो हमारी बॉडी का डिहाइड्रेशन से भी बचाती है, और हमारा जो कई लोगों को शिकायत होती है कि गर्म लग रहा है या मुंह सूख रहा है, उसकी प्रॉब्लम भी खीरा खाने से कम हो जाती है। चौथा, फ्रूट्स। फ्रूट्स में गर्मियों में वाटरमेलन तो बहुत ही यूज़फुल है, हमें इसे खा के बहुत अच्छा लगता है, और पेट तो भरता ही है, बहुत समय तक हमें लगता है कि हमारा पेट भरा हुआ है। तो तरबूज, खरबूज, ये सब चीज़ें गर्मियों के फल हैं, और इसे तो ज़रूर ही लेना चाहिए। ये हमारे लिए बेनिफिट भी होते हैं, हमारा वेट लॉस भी करते हैं, हमारा पेट ज़्यादा समय तक इसे खाने से भरा हुआ भी लगता है, और वाटर की मात्रा को भी ये पूरा करते हैं। गर्मियों के सीज़न में हमें अपने डिटॉक्स वाटर का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारा बॉडी ऑलरेडी गर्म रहता है गर्मियों के मौसम में, तो हमें ऐसे डिटॉक्स वाटर का यूज़ करना चाहिए जो हमारी बॉडी को गर्म ना करे, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है खीरा, लौकी, मिंट यानी पुदीना पत्ता, एप्पल, ऑरेंज,
ये सब चीज़ों का डिटॉक्स वाटर होता है जो मैं अभी अपने क्लाइंट्स को दे रही हूँ। इससे हमारा वेट लॉस तो होता ही है, साथ में हमारी बॉडी का जो गर्माहट है वह भी कम होती है और ये हमारे लिए बेनिफिट हो जाता है वेट लॉस के लिए। जैसे मैंने पहले भी बताया कि ग्रीन टी हमारे वेट लॉस के लिए बहुत ही अच्छा रहता है, लेकिन गर्मियों में हमें गर्म ग्रीन टी का यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें नॉर्मल वाटर में ग्रीन टी का यूज़ करना चाहिए। हमें ग्रीन टी को जो बना के उसे थोड़ा ठंडा कर लें, उस अगर आपको ठंडा पसंद है तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, और जब वो थोड़ा हल्का ठंडा हो जाए तो ऐसे ग्रीन टी का यूज़ करना चाहिए, नहीं तो यह भी हमारी बॉडी को थोड़ा गर्माहट देता है और हमें गर्मी में होता है ना हमारी बॉडी और ज़्यादा गर्म हो के फिर उसका रिएक्शन आने लगता है और हम उसे टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। तो आप जो आइस ग्रीन टी बोलते हैं ना उसे यूज़ कर सकते हैं। मौसम में हमें रात को हल्का खाना खाना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना गर्मियों में हमारा मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा इफेक्ट होता है, तो हमें रात को हल्का जैसे दलिया या दाल रोटी या खिचड़ी या फ्रूट्स या फिर सलाद या फिर दाल मखाना या जैसे दूध लिए है ना, ऐसा हल्का चीज़ खाना चाहिए जो कि हम आसानी से डाइजेस्ट कर सकते हैं। हमारा मेटाबॉलिज्म वीक होने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इफेक्ट होता है, जिससे अगर हम हैवी खा लेते हैं तो हमें रात भर नींद नहीं आती, हैवीपन लगता है और हमारा वेट बढ़ने लगता है। तो ऐसी चीज़ें खाएं जो आपको वेट लॉस में हेल्प करती हैं, तो गर्मियों में इन चीज़ों का विशेष ध्यान देना चाहिए। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा और इन चीज़ों को ध्यान रखें। गर्मियों में अभी 3-4 महीना है, आप अपना वेट लॉस करेंगे, और अगर आप लोगों को वेट लॉस के लिए मेरी कोई हेल्प चाहिए तो मेरे साथ ज़रूर जुड़ें। स्मृति से स्वास्थ्य आपके लिए हमेशा तैयार है, आपको हेल्प करने के लिए, आपका वेट लॉस कराने के लिए। और मेरे चैनल को शेयर लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे।